जी, मेरा नाम सना है, मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से हूँ। मुझे स्कॉलरशिप के लिए आपसे थोड़ा सा बोलना था कि जैसे आपने बताया इतनी स्किल्स है स्कॉलरशिप के लिए, प्राइमरी से पीएचडी तक के लिए। जैसे हमने 2010 में स्टार्टिंग मार्च में स्कॉलरशिप के फॉर्म 104 फॉर्म भरे थे जो स्टार्टिंग में भरा था, उसमें से अब तक का बच्चों को कुछ भी नहीं मिला है। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हमने भरा था और ऑनलाइन इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा था, वो एक चीज़ हो गई। तो हमने फिर ठीक है, वो मार्च में हो गया, फिर हमने शायद अगस्त में वापस फिर अटैम्प्ट करा था और हमने टेबल लगा के सभी बच्चों के फॉर्म भरवाए थे। सभी बच्चों के हमने फॉर्म भरवाए थे, लेकिन उन लोगों के फॉर्म भरने के बाद जब उनको स्टैम्प्स की ज़रूरत होती थी कि कॉलेज से स्टैम्प लगा के लाना है आपको कि कौन से कॉलेज में है क्या है, तो वहाँ वाले तो कॉलेज वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे और हम बोलते थे उस पर भी नहीं होता था। लेकिन हमने उनसे सारे बच्चों से फॉर्म्स लेके हमने पर्सनली हायर एजुकेशन में जाके पूरे फॉर्म्स मार्च में 104 हुए थे और पिछले टाइम में हमने फॉर्म्स बांट दिए थे और उनको बोला था आप पर्सनली जाके उसको जमा करना है कॉलेज में, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने हमारे हाथ में नहीं दिया था, डायरेक्टली बोला था आपको कॉलेज में जमा करना है। हमने इतने सारे फॉर्म्स बांटे लेकिन उसमें से मुश्किल से कुछ 6 बच्चों को आया है और 2 वो भी मुस्लिम नहीं है, बुद्ध कास्ट के बच्चों को आया है। हाँ, क्रिश्चियन और बुद्ध, ये 2 कास्ट वाले बच्चे, यानी जो 6 बच्चे हैं उसमें क्रिश्चियन और बुद्ध है, मुस्लिम में एक को भी नहीं आया। वो भी चेक आया है, पैसे अभी तक उनके हाथ में नहीं आए। 2010, 11, 12 तीसरा साल चालू हो गया, उसमें से अभी तक बच्चों के हाथ में पोस्ट मैट्रिक के एक भी पैसा नहीं आया है हाथ में। और बैंक खाते के लिए भी इतना प्रॉब्लम था कि वो बच्चों का 0 बैलेंस पे अकाउंट नहीं खोल रहे थे। नहीं, वो तो हुआ है पॉलिसी दो पिछले साल से कि 0 अकाउंट से ही वो खुल जाए। नहीं खुला मैडम, हम खुद उनके साथ में गए थे, हम साथ में गए थे, 500 बच्चों को कैश भर के उनका अकाउंट ओपन। नहीं, 0 बैलेंस है माइनॉरिटीज के जो पोस्ट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है वो 0 बैलेंस। मैडम हम इस बेस पे बोल रहे हैं क्योंकि वो चीज़ हमने करे थे, इसलिए हमने आपको इस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे जी। क्योंकि जो चीज़ें हमने हर कास्ट से हमने माइनॉरिटीज के लिए फॉर्म भरे थे लेकिन उसमें से एक भी मुस्लिम नहीं, चलो और भी लोगों ने जो फॉर्म भरे थे उसमें से सिर्फ 6 लोगों के आए थे। 6 लोगों को वो भी लेटर आया है कि आपका मतलब स्कॉलरशिप के लिए करके आपके अकाउंट पैसा आएगा, चेक आया है महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र बैंक में सभी का अकाउंट खोलने की बात हुई थी। इट्स फ्रॉम द महाराष्ट्र। जी जी, मुंबई, ये डोरी नगर सांतापुर। कैन यस, आई लाइक टू से समथिंग। In fact, please identify yourself. Okay. For the benefit I'm Farooq Waris. I am Principal Burhani College, and in fact I'm very happy that I'm here. I will like to thank ORF, BMM and Shabistan Ghaffar Sahiba for giving us a very enlightening speech. I feel that let this very nice platform that we have got today not be wasted like a grievance cell activity. There are a lot of issues one can talk about, but I would like to do a very quick sharing with everybody who is present here. Being part of a Muslim minority institution for higher learning, what are the issues, what are the benefits we are enjoying, and what are things which we would like to happen and are not happening? The first thing is that we have a minority status, which gives us a slight edge over other institutions when it comes to internal mechanisms. And we can always talk about that, no, we are a minority institution. If we are appointing A, B, C, we are not so much under the axe and the scanner of the university. We deal with lot of bodies, administrative bodies all around. One is, of course, UGC, then there is the university norms and ordinances we abide by. Then since we have a junior college, so education board is there. Since we also have MMS, which is equivalent to MBA, so AICT norms are always there, applicable on us. So we have to deal with these people, and from wherever we are getting benefits for minority being a minority institution, that information is provided to the students. That is the happy part of it. The sad part is that scholarships, if there are any, we are not availing of. If there are any, apart from some zakat money that comes in the coffers of the college, there is hardly any help. There is one SFA
that is a student's fund, which is also very limited. So because the fund is so limited, we have kept a figure of 800 rupees per student, provided they furnish the documents and show the ration card, etc. Then for junior college, there is again a small little scholarship of 350 rupees. But if it goes into the third child of the family, that is also not there. And by the grace of God Almighty, I think most of our students are fifth and sixth child of the family. So that also becomes a slightly null and void situation for us. The dropout rate increases. And when you analyze the reasons behind the dropout rate, of course, first and foremost is financial issues. And the gender superiority prevails, that if they have sons and daughter, money problem, then the first person to be removed from the educational institution would be the daughter. Maybe the son is totally bilkul nikamma hoga, bilkul bekar hoga, but phir bhi wo ladka hai, to uski taleem ke upar hame kharch karna wajib hota hai, ladki ki taleem ke upar nahi hota hai. In fact, aap logon ko taajub hoga ke shaadi jo hai wo shayad second or third reason hai ke jaldi shaadi karni hai, wo second or third reason hai drop out hone ka. Pehla reason jo hai wo jaisa aapne kaha ki ghareebi jo hai, badhti hui ghurbat aur bahut haath tang hai, wo sabse pehla reason hai bachche ladkiyon ko college se hatane ka. Aur phir ek bada reason ye bhi hai ki agar kahin ke upar bhi koi cultural issue aa jata hai ya koi mohalle wala pados wala shikayat kar deta hai ki I've seen your daughter in a nearby cafe, or I've seen your daughter talking to a boy, or I've seen your daughter's photograph in the college magazine, so that is also enough. To ek issue wo jo shayad itna aap logon ko concern nahi karta, lekin being a minority institution hum logon ko bahut concern karta hai wo, kyunki jab dropout rate badhta hai to uske sath sath total equilibrium of the educational institution also goes topsy turvy. So that is somewhere where we are very concerned about. Though I had done a brief little paper, but I don't think what is needed here is experiential. What is needed is what to be shared by everybody, what we are going through. I'll sum up in three lines. A, government help, in spite of being minority institution, is very, very limited. There is a void, very big void, between government institutions and minority educational institutions. That void has to be filled up either with a cell or civil society, NGOs, whoever fills that gap has to fill the gap. We have the infrastructure, we have the manpower, but we don't have the knowledge to inform students and the families. PMS was a total failure with us. 5,000 is strength, 3 forms were filled up. And out of 3 forms also, 1 form invalid ho gaya, kyunki unka ration card aur wo tally nahi kar raha tha. Keep one thing in mind, that our lot is not computer savvy. Our lot is not very comfortable filling an application online and then be very comfortable about it, that I have downloaded information. No. Unko zyadatar families ne kabhi ek screen ke samne baithne ka bhi unko tajurba nahi hua hai. So, wo PMS total fail ho gaya. That is the second point. There is a void between government institutions and minority educational institutions. Second is that there should be a very brisk kind of activity of following up. In fact, when I saw the name of ORF associated with it, I was very happy, because they have built up a reputation of follow-up, a very good follow-up on the programs. And the follow-up is like a constant reminder that I'm there and I'm working on it and you're going to be accountable for what is happening. So that is, the follow-up is definitely there. And third, of course, is totally our responsibility to work with the community, sensitize them. There is total insensitive attitude towards the from the patriarchy towards the education of girls. So that sensitization is totally our responsibility, which we are doing through varied means. There are lots of associations, study groups within the college. And since ours is a postgraduate institution also, so we get a lot of help from the senior students, alumni,
to work towards that. I'm open to any question coming from anywhere. Thank you. Assalamu alaikum sabhi ko. और मेरा नाम खातून शेख है और मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से महाराष्ट्र कन्वीनर हूँ. और मेरा तो ये अनुभव है कि जो हम 15 पॉइंट प्रोग्राम में हूँ मैं, और यहाँ पे जो भी अगर कुछ मसले मसाइल होते हैं, जैसे स्कूल को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम है कि बीएमसी स्कूलों की जो हालात है, जैसे 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास के बाद हमारे में तो बिल्कुल लड़कियों को फिर बोलते हैं कि कहीं कॉलेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, तो उस वजह से वो लड़कियों की स्कूल छूट जाती है. तो हमने बीएम 15 पॉइंट प्रोग्राम में ये बात रखी थी कि ये 7वीं से इसको 10वीं क्लास होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते और आगे, क्योंकि फिर माँ बाप को भी वो मिल जाता है कि नहीं नहीं आगे नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो फिर लड़का लड़की साथ में पढ़ेंगे, इस तरह का जो एक अनुभव होता है वो देखा है. क्योंकि वो मैं खुद अपने आप को भी देखी हूँ कि मैं भी 7वीं पढ़ के ही छोड़ी हूँ, और इसी यही कारण था. तो हम चाहते थे कि और बच्चे आगे से पढ़ सके, लेकिन 15 पॉइंट प्रोग्राम में जाने के बाद में जब अगर हम लोग ऐसे इशू उठाते हैं, वहाँ पर सारे ये आते हैं, वहाँ के जो राशन के मंत्री आते हैं, महिला बाल विकास के सब आते हैं, लेकिन जैसा ही हम लोग राशन का भी मुद्दा अगर रखते हैं वहाँ पर कि जो गरीबों को अनाज दिया जाता है वो फ्री में, तो वो क्यों नहीं होता है? नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं है यहाँ, इन्हें मतलब बिल्कुल इन्हें गवर्नमेंट में बिल्कुल एक बहानाबाजी होती है. मैं सैयद आपा को समझ सकती हूँ कि सैयद आपा जब तक थे हमारे लिए बहुत अच्छे कारण, उन्होंने हम माइनॉरिटी कमीशन में भी हमारे साथ मीटिंग रखते थे, जो हमारे कमेटी में जो हम लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, झोपड़पट्टी बस्तियों में रहते हैं, वहाँ के जो इशू होते हैं वो लेकर हम लोग इनके साथ में भी शेयर करते थे कि हमारे इशू क्या है. हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट से हमें कुछ हासिल नहीं होता है. जैसे सना ने कहा कि हमने इतना सारा स्कॉलरशिप का किया लेकिन हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ, लोगों को हम पे भरोसा नहीं है कि हम तो इतना करके दे रहे हैं लेकिन वो पास नहीं होते, वो गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें हमको नहीं मिलती है. ये 15 पॉइंट प्रोग्राम के भी कुछ डाल दिए हैं कि हाँ 15 पॉइंट प्रोग्राम में ये इशू उठाएंगे. बहुत अच्छे भी मैं मानती हूँ कि वहाँ पे जो बैठे रहते हैं ऑफिसर, बहुत अच्छे मुद्दे लेते भी हैं वो, लेकिन लोग उनको समझने की कोशिश नहीं करते और शायद वो आगे नहीं आते हैं. तो हम चाहते हैं कि ऐसे इशू को, जैसे आपने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमने बच्चों के लिए साइकिल का किया, ये किया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कोई इशू उठते ही नहीं है. हम तो खुद लेकर अभी राशन का कुछ मसला होता, हमारा फौरन आंदोलन के लेटर पे उनके मंत्री के ऑफिस में जाता है लेटर कि भाई जो राशन का मुद्दा है. अभी कुछ लोग हमारे पास आए कि हमको अभी बिल्कुल घासलेट पूरा कम कर दिया. तो जितने लोगों का जहाँ पे दुकान पे राशन कार्ड है वो लोग उतने लोग चिल्ला रहे, वो राशन की दुकान वालों को, राशन की दुकान पे जाके हम लोग मोर्चा देते धरना देते, वो राशन की दुकान वाले हमारे पास उठकर आए हैं कि आप लोग देखो हमारे को जो घासलेट का कोठा कम किया है. तो हमारे जो बच्चों का एक तो दूसरा है कि एजुकेशन इंग्लिश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे बच्चे गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं अगर इंग्लिश में, तो अंग्रेजी में वहाँ पे स्कूल में उनको लिया नहीं जाता है, क्योंकि माँ बाप के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो बच्चों को वहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाए. तो एक तो एक बीएमसी एक ऐसा करे गवर्नमेंट के तरफ से कि वहाँ पे पहली दूसरी से वहाँ पे वो क्लास खोलनी चाहिए, ताकि वो गरीब बच्चे भी वहाँ पे पढ़ सके. तो एक बहुत अच्छे मुद्दे अगर गवर्नमेंट के तरफ से अगर आते हैं तो मैं मानती हूँ कि हाँ ये गवर्नमेंट की स्कीम जरूर लागू होती है. मुझे तो लगता है कुछ लागू नहीं होता है बिल्कुल. हम लोग तो बहुत आरटी आ गया ना, अब आरटी में 6 से 14 साल का बच्चा किसी भी मजहब से किसी भी कास्ट से, उनको ये गवर्नमेंट ने वादा और यकीन दिलाया कि हम उनको ज़रूर मुफ्त तालीम फराहम करेंगे. हमारे वो एक रिजर्वेशन भी आया उसमें 25% का जो 12 केजी क्लास में अगर बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे उसको 10,000 फीस भरनी पड़ती है. 10,000 पहला एडवांस रखो फिर तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करो. तो ये सब माँ बाप, गरीब माँ बाप कहाँ से लाएंगे प्लीज. मैं भी इसी उपलक्ष में कुछ बोलना चाहूँगी. आई एग्री विथ I'm Ranu Jain from Tata Institute of Social Sciences. हाँ मैं इंट्रोडक्शन तो समझ गई. नहीं मैं ये जो अभी गफूर आपा ने बताया
गवर्नमेंट सचमुच बहुत कर रही है इन द केस ऑफ एजुकेशन, और आरटीई इज बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक तो हमें बीच बीच में स्कीम्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पे स्कूल एस्टेब्लिश होते हैं? क्या वो क्राइटेरिया जो गांवों के लिए शायद सही है, क्या वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बॉम्बे के लिए भी सही है? जैसे कि 3 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए. अब मुंब्रा जैसी जगह को अगर आप लें जहाँ पे 1 किलोमीटर में लाखों की पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक स्कूल क्या करेगा? और हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल्स नहीं हैं. मतलब मुंब्रा में 2000 के बाद, आई थिंक इट वॉज ईयर 2000 व्हेन फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल केम इनटू बीइंग. दीवा में एक था, बट मुंब्रा में आई थिंक फर्स्ट स्कूल केम इनटू बीइंग इन 2000. इनफैक्ट मैंने मुंब्रा की स्टडी की है, मैंने मुंबई की स्टडी की है, और मुझे मालूम पड़ा कि कुछ जगह है जहाँ पे बच्चे मदरसा में एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं, और अदरवाइज बॉम्बे जैसी जगह में, महाराष्ट्र जैसी जगह में मदरसा एजुकेशन इतनी पॉपुलर नहीं है. तो आई गॉट क्यूरियस कि बात क्या है, क्यों ये बच्चे सिर्फ मदरसा स्कूल में जा रहे हैं. और तब मुझे मालूम पड़ा कि वो इसलिए मदरसा स्कूल में जा रहे हैं, मदरसा में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स हैं ही नहीं, किसी भी कारण से वहाँ पे हैं ही नहीं. और बेसिकली शायद इसलिए नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी एरियाज हैं. आई मीन ये मेरी एक फीलिंग है. लेट मी जस्ट फिनिश. हाँ, तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मेकिंग ऑफ स्कीम्स, रिविजन ऑफ प्रोग्राम्स, एंड एट द सेम टाइम मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम. जहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से पीछे है, गवर्नमेंट बिल्कुल आके देखती नहीं है कि इनकी जो स्कीम्स है वो सचमुच इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं. आरटीई आज 3 साल से आ गया, मुंब्रा में एक स्कूल में भी क्या आरटीई इंस्पेक्शन हुआ? एक में भी नहीं हुआ. क्या गोवंडी में आरटीई इंस्पेक्शन हुआ? नहीं हुआ. क्या कहीं भी देखा जा रहा है? मैंने सुना, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कि आरटीई के की जो क्राइटेरिया है उसके लिए जो जो खबर मांगी गई फ्रॉम द स्कूल, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, मांगी गई जो स्कूलों से, वो उन लोगों ने 2-3 साल के बावजूद भरी नहीं. व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट? Government asks for certain information and the information are not being given. And government just rests assured ki humne to RTE kar diya, ab wo implement ho raha hai, nahi ho raha hai. It's a problem of public. Ye criteria hai, ye attitude hai, which has to be checked. Aur agar hum log implementation dekhne lage, to ye scholarship, ye sab kaafi problems hamari sort out ho jayengi. Aur jo kaafi myth hai. Ab jaisa aap modernization of madarsa ki baat kar rahi hai. Kya kitne, किस जगह के मुसलमानों को मदरसा चाहिए? हम लोग गए, हमें मुंब्रा के 3 से 4 मदरसाओं ने, हम लोग देखिए, हम लोग लिमिटेड टाइम में स्टडी करते हैं, वी कांट रीच आउट टू ऑल द मदरसाज इन द एरिया. हमें 3 से 4 मदरसाज ने लिस्ट दी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड विद देम विद द रिक्वेस्ट, प्लीज डू समथिंग टू गेट देम एनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल. आज का जो पुअर मुस्लिम समाज है वो प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन चाहता है, पर उसके पास एवेन्यूज नहीं हैं. और सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट सामने नहीं आती और इंफॉर्मेशन और एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती उनकी नीड के लिए, वहाँ पे दे गेट वल्नरेबल टू कम्युनिटी एंड प्राइवेट एक्सप्लॉयटेशन. सिर्फ कम्युनिटी नहीं, प्राइवेट ओरिएंटेड भी. आप देखेंगे, आप किसी भी माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में जाइए, आप देखेंगे दे आर फ्लडेड विद नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट एडेड स्कूल्स, विद वेरी पुअर क्वालिटी टीचर्स, विद वेरी पुअर एवेन्यूज, नो टॉयलेट्स, रूम्स वेयर यू नो चिल्ड्रन 3 to 4 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस रोड्स इन ऑर्डर टू अटेंड देयर क्लासरूम. कौन सुपरवाइज कर रहा है? हम जैसे लोग लिखते हैं, कौन उसको देख रहा है? Everyone is aware of it, but nothing is being done. और ये सब चीज़ें ज़्यादा minority concentrated areas में रही हैं. I can keep on saying, I know there is limited time. मैम ने जो रेस किया इशू, बहुत ही वैलिड है. और इसके लिए हम कई बार, हमारा एक एटीट्यूड रहता है समाज को, हम बनाना देखते हैं क्या, गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंड रहते हैं कि गवर्नमेंट कोई फंडिंग करेगा, कोई कुछ करेगा, तब हम जाकर कुछ करेंगे. लेकिन इसमें सही बोले तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो सोशल लीडर्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल लीडर्स,
लेकिन जो सोशल लीडर्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें कम रहती है, और इसकी कम होने की वजह है कि ये जो इशू है एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन, इस इशू पे सेंसिटाइज नहीं होता है वो लीडर वहाँ का। वहाँ का जो सोशल एक्टिविज्म होता है वो एजुकेशन के इर्द गिर्द नहीं होता है, उसके इशूज़ होते हैं, पानी होता है, ये भी एक जेन्युइन इशूज़ है, लेकिन जो एजुकेशन एक इशू को लेकर कुछ करना चाहिए और वो कोर ऑफ ट्रक्स ऑफ द सोशल डेवलपमेंट है, इसके बारे में जो सेंसिटाइज होना चाहिए समाज, वो नहीं होते हुए दिखता है। इसीलिए ये जो बड़ा गैप है, अभी जैसा इन्होंने कहा क्या कुछ स्कॉलरशिप के फॉर्म्स लेकर गए और गवर्नमेंट से हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कई बार ये भी देखा जाता है गवर्नमेंट की स्कीम्स इस तरीके के डिज़ाइन किए गए हैं कि उसका बेनिफिट उस तबके को मिले ही नहीं, और उसमें भी माइनॉरिटी एजुकेशन के और माइनॉरिटीज कम्युनिटी के अगर स्कीम्स देखा जाए, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पर जो मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का कोई भी लोन 40,000 के लोन के लिए दो दो साल तक चक्कर मारने पड़ती है, स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन इसके लिए पूरा पास आउट हो जाता है, वो डिप्लोमा पूरा थर्ड ईयर में डिप्लोमा में चले जाता है तब भी नहीं मिलते, और कहते हैं आपने फर्स्ट ईयर में लिया नहीं था अब आपको थर्ड ईयर में नहीं मिलेगा। ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किए गए कि वो जाते ही उसे पता चलता है कि आप यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, आप भले पैसे दे दो फिर भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मालूम नहीं इस पर कुछ रिसर्च हुआ है या फिर गवर्नमेंट में किसी ने कुछ कहा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस पर कोई तो एक प्रेशर ग्रुप, कोई तो एक काम करने की ज़रूरत है कि कोई जाकर उनका गला पकड़ेगा ये आप इस तरीके से काम कर रहे हैं ये नहीं होगा। मेरा खुद का फॉलोअप पे इतना बुरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो CEO है मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के गफ्फार शेख, तो ये जिस तरीके से चलता है वो खुद जब भी जाए हम फॉलोअप के लिए तो कहते किसी को बुलाते हैं अरे भाई वो फाइल निकालो, फाइल निकालते ढूंढते वो नहीं मिलती है, फिर बोलते नेक्स्ट टाइम आइए। तो ये मेरा कहना है कि ये इस तरीके का कोई प्रेशर ग्रुप बने कि जो नॉन पॉलिटिकल लेवल पर काम कर रहे हैं, जो NGO एक्टिविज्म, सोशल इन्वॉल्वमेंट, और इसको सेंसिटाइज करते हुए कि ये एजुकेशन इज द क्रक्स ऑफ द इशू। हम तो सिर्फ अर्बन एरिया का कह रहे हैं, रूरल एरिया में तो इससे बुरा हाल है, मैंने देखा हूँ 14-14, 15-15 साल के बच्चियों की शादी होते हैं और इस वजह से ड्रॉप आउट है। माय नेम इज जावेद आनंद। ये आपने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, ये अपने आप में बहुत अच्छा आइडिया है। आपने इसमें कहा कि जो माइनॉरिटीज़ में सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको थोड़ा स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट वगैरह के। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि माइंडसेट पब्लिक में बैठे हुए, यानी सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए, चाहे वो ये मंत्रालय में हो, चाहे वो दिल्ली के मिनिस्ट्री में बैठे हों, उनके माइंडसेट को बदलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये इनसिग्निफिकेंट से बात नहीं है कि ऐसी मीटिंग में यहाँ पे आपको प्राइवेट जिसको कहें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सरकार से कोई क्यों नहीं, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे, व्हाई इज नोबडी देयर। मिसेस ठेकेकरा फॉर द फर्स्ट टाइम 3 years ago आई हैपन टू बी इन्वॉल्व, वी स्टार्टेड कि एक जो है तो बीच में मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए जिसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने तो कह दिया कि वो जीरो बैंक बैलेंस में खुल जाता है अकाउंट, इन थियरी दैट इज वेरी ट्रू, आप जाके देखिए खोल के वो सुना। नहीं नहीं, दिस इज न्यूज़, लाइक ये बात आई नहीं, नहीं ये आप जब तक बस्ती में नहीं जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा। आई एम नॉट, आई डोंट मीन यू पर्सनली, आई मीन द गवर्नमेंट। जी जी, वो सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। इससे होता क्या है कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जैसे यहाँ पे है, बिकॉज देर आर थ्रम रियली कमिटेड डायनेमिक ऑफिसर्स, उनकी स्कीम्स का आप देखिए, उनका अप्रोच देखिए, उनका एटीट्यूड देखिए, जो है तो इट वर्क्स वंडरफुली। आई मीन विद देर आर प्रॉब्लम्स देर ऑल्सो, बट बाय एंड लार्ज इट्स रियली क्वाइट अमेजिंग टू सी देम एट वर्क। दूसरी तरफ डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात इन्होंने की, उन्होंने की, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं दे डोंट गिव अ डैम, इसलिए कुछ होता नहीं। तो इसलिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि एक इंटरमीडिएट मैकेनिज्म क्रिएट नहीं होता है। उसको क्रिएट करने के लिए जो है तो शायद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जैसी तंजीमों की ज़रूरत है, शायद दूसरी तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी से लोग तैयार नहीं हैं, तैयारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। और जब तक वो तैयारी नहीं होगी, एक तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, ऑल दी स्कीम्स उनको आप जोड़ लीजिए, वो कितने लोगों तक पहुँच सकती हैं, दे हैव वर्क आइडियली इन ए परफेक्ट फैशन, ऊँट के मुँह में ज़ीरा के अलावा कुछ है नहीं। वो भी जो है तो पहुँच नहीं पाती हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ जो है तो हैं, उसको कोई सुनने वाला है ही नहीं। शुक्रिया।
फ्लो चार्ट बना के ले लें कि व्हाट शुड वी डू, हु शुड वी अप्रोच. आई नीड मनी फॉर 500 स्टूडेंट्स, राइट. उनके डॉक्यूमेंट्स हम किसको सबमिट करें, एक फ्लो चार्ट बना दें कि भाई ये सबसे बड़ा, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, और इस उसके नीचे जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, तो वो हमें बहुत मदद करेगा. लेकिन ये वो हुआ था, उसके लिए स्पेशल ग्रुप बना था उर्दू मरकज के तरफ से, हम लोगों ने टेके करा मैडम को बुलाए थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, थोड़ा दिन चला वो भी बंद हो गया. मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर. क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया इन मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज. मैं 92 से तालीम की तरफ ख्याल दे रहा हूँ. हिंदुस्तान चल रहा था, चंद यंग बच्चे मेरे पास आए, कहने लगे कि क्या किया जाए. मैंने कहा या तो हमारा इज्तिमाई बैतुलमाल पैदा किया जाए, हम 1-2% गरीबों को मिडिल क्लास में डालें, 1-2% मिडिल का अपर मिडिल क्लास में डालें, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं. उन्होंने कहा जैसा आप इसमें पढ़ो मत. उन्होंने कहा दरअसल इसमें आप पढ़ो मत, इसलिए कि मुल्ला आपको हराम हलाल के मसले में डालेंगे और कहीं कहने. मैंने फिर याद करो, देखो मैं उर्दू से पढ़ा हुआ, हमारे वक्त में उर्दू वाले कुछ बनते थे, मजीद मेहमान, दिलीप कुमार, आप जितने भी देखोगे हमारे वक्त में उर्दू वाले कुछ बनते थे. मैंने कहा आज क्यों नहीं बन रहे. हो सकता है कि अच्छी से पढ़ाते नहीं या बच्चे पढ़ते नहीं. हमने उस वक्त सर्वे किया बम्बई में, 76 उर्दू स्कूल थे. कहा मैं कि आप एक काम करो, प्रिंसिपल से मिलियो कि हमें पहला दूसरा तीसरा चौथा बच्चा दो, हमको हम उन्हें ट्रेन करेंगे. हमने आइडियल एजुकेशन मूवमेंट की बुनियाद डाली. तकरीबन 40 बच्चों से शुरू किया, 4,500 बच्चे पढ़ रहे हैं. 350 बच्चे SSC में बैठते हैं, सब पास होते हैं. 150 फर्स्ट क्लास आते हैं, तकरीबन 100-110 डिस्टिंक्शन आते हैं. हमने ड्रॉप आउट बंद कर दिया. मैंने उस वक्त 92 में सर्वे किया, आपको ताजुब लगेगा, पहली में 92 में हमारे 1,60,000 बच्चे पहली में एडमिशन लेते थे, सातवीं पहुँचने तक 1,00,000 निकल जाते थे, 60,000 रहते थे, और SSC पहुँचने तक उसमें से 55,000 जाते थे, 5,000 रहते थे, खाली 500 हमारे ग्रेजुएट बनते थे. आइडल ने काम किया कि बहुत से ड्रॉप आउट को ख़त्म किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर एक स्कूल तुम नहीं बनाते हो करोड़ों रुपए जाते हैं. मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि आइडल तरह की अगर सिस्टम हम शुरू कर दें तो हम बहुत से ड्रॉप आउट को कम कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी. हमने आप कितनी भी कोशिश करो, कितने भी करो, हमारे लीडर हिपोक्रेट से, वो हमारे इसी खमीर से निकलते हैं, लेकिन 5 साल तक उनको मालूम है कौम किधर है, वो भूल जाते हैं. अब हमें अपने पैरों पे खड़ा होना ये सबसे बड़ी चीज़ है. अगर हमें जो चीज़ें गवर्नमेंट या जो भी जो हमें अवेलेबल है हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये कौम जिसका पहला सबक है खरा. जब हम उसके तरफ थे तो हम स्पेन से लेकर हिंदुस्तान के बॉर्डर तक आ गए. जब हमने उसका फ़ायदा टेक्नोलॉजी एजुकेशन का हमने फ़ायदा उठाना बंद कर दिया तो वे बिकम स्लेव्स. 60 साल के बाद मैं आप लोगों से पूछता हूँ आप कौन सी माइनॉरिटी की बात करते हैं. अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी करते हैं तो ये माइनॉरिटी सब माइनॉरिटी जितनी माइनॉरिटी में उससे कम हो ये हो गए. आज सिंधी माइनॉरिटी अच्छी हो गई है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी ठीक हो गई है. अगर आप कहते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं, अगर आप सेमिनार जो 2500 सेमिनार करते हैं सिर्फ अगर सुन के जाना है आपको के तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं. आप अगर हमारी बातें अगर दहली तक पहुँचाने वाले हैं और चाहते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा हो जाए तो मैं कहता हूँ सेमिनार इस तरह करके फ़ायदे हैं. आपको ताजुब होगा कि हमने आइडियल का एक बिल्डिंग हमने नहीं बनाई नहीं, हमने कहा हिंदुस्तान में हर जगह पे स्कूल के बिल्डिंग शाम में 6 बजे का बंद हो जाते हैं. हम शाम में उन लोगों हम उनसे अप्रोच होते हैं कि हमें आपकी जगह दो, वो किराया जाने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं ले रहे. हमने 40 बच्चे साथ 6,000 बच्चे तक लगाया. उसी तरह हमने गवंडी में मैंने एक स्लम अडॉप्ट किया, एक झोपड़ी से शुरू किया, होते होते 40 झोपड़े हमने खरीद लिए, आज 6,000 बच्चे पढ़ रहे. वो बच्चे किसी जबान में अपना नाम नहीं लिख सकते थे, आप रो पढ़ोगे, वो आज कॉलेजों में जाने लग गए.
हमने जो उसको हमने पक्का किया, ना गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन हमको हेल्प किया, ना किसी ने किया। हमारे लोग हैं, कोई 50 रुपए देते, कोई 100 रुपए देते, किसी दोस्त ने एक झोपड़ा 10 झोपड़े बना दिए, इस तरह हमने काम कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे स्कूल्स हैं, हम उसको आइडियल टाइप अडॉप्ट करें। शाम में जब स्कूल बंद होते हैं, हम छुट्टियों के दिन और इतवार के दिन हम बच्चों को तालीम दें, तो हमारा बहुत सारा खर्चा बच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें, हमें कुछ इसकी तरफ बड़ा ख्याल देना होगा। जहाँ तक बैतुल माल का मामला है, इंशाल्लाह मैं अगले महीने शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इज्तिमाई बैतुल हमारे हज़ारों करोड़ हमारे मुसलमान ज़कात और सदक़े के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन गलत हाथों में जा रहे हैं। हम यही पैसों को अगर बैंकों में डालते हैं, हमने उसका नाम रखा है पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट, बैंक ऑफ स्टेट बैंक में हमने अकाउंट खोल दिया, ज़कात अकाउंट, सदका अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। आपको सुन के ताजुब लगेगा, 90,000 करोड़ मुसलमानों के सिर्फ इंटरेस्ट का बैंकों में पड़ा हुआ है। अगर ये पैसा अगर मुसलमानों के आ जाए, वो हम तालीम के लिए, हमारे इकोनॉमी सुधारने के लिए करें, तो बहुत कुछ काम हो सकता है। I am Asim Qasmi from Delhi, representing All India Muslim Majlis-e-Mushawarat. मुझे ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं, मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कुछ चीज़ें मैं आपके एक तो SPQAM के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मुस्लिम मजलिस मुशावरत एक्टिवली लॉबिंग कर रही है कि इसको न ज्वाइन किया जाए, इसलिए कि हमारी अपनी स्टडी ये है। एक तो ये मैं बता दूं कि किसी बड़े मदरसे ने इसको ज्वाइन नहीं किया, न दारुल उलूम देवबंद ने किया, न नदवतुल उलमा ने किया, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जिन लोगों ने, जिन मदारिस ने इनको ज्वाइन किया है, वहाँ से क्वालिटी ऑफ इस्लामिक एजुकेशन ख़त्म हो गई है। सो मच सो कि हमारी रिसर्च ये है कि वो बच्चे उर्दू तक निकलना नहीं जानते हैं। एक चीज़ तो ये हुई, उनकी सैलरीज जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी, आप कहीं भी नेट पर उठा के देख लीजिए, 6-6 और 8-8 महीने के बैकलॉग थे, तो उनको सैलरी नहीं मिलती। फिर जो मदरसे में 3,000 रुपये एक आलिम हदीस पढ़ा रहा है, वो जब 8,000 के आपके स्केल पे मैथमेटिक्स पढ़ाता, तो उसके तो मॉरल्स वैसे ही डाउन हो गए। तो वो जो हैं, वो सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको गवर्नमेंट की एक एड चाहिए। वो ऑन पेपर वो कर रहे हैं, लेकिन उससे मदरसे की जो अपनी रूह थी, जो उसका अपना मदरसे का जो काम करना था इस्लामिक एजुकेशन का, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो वी आर एक्टिवली लॉबिंग, और शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर दिल्ली, उन्होंने अभी अनाउंस किया था, तो वी टुक अ डेलीगेशन एंड वी स्पेशली मेट विद हर कि आप पहले एक्सपर्ट से और जो मदारिस के लोग हैं उनको इन कॉन्फिडेंस लीजिए। कपिल सिब्बल से हमारी 8-10 मीटिंग हुई सिलसिले में, एंड देन फाइनली उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा अगर मुस्लिम मदारिस और या मुस्लिम उलमा इसमें साथ नहीं देंगे। तो एक क्लारिफिकेशन मैं चाहता था कि यहाँ लोगों को पता रहे कि SPQAM एक ऐसी रोज़ी पिक्चर हमारे सामने है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारे उलमा अभी भी गवर्नमेंट की सिंसेरिटी फॉर इंट्रूजन इनटू मदरसास वो अभी डाउटफुल है, फॉर व्हाट वी सी थ्रू आउट 65 ईयर्स। एंड देन अचानक ये जो प्रोग्राम आ रहा है कि मदारिस में जब आप देंगे तो आपको पूछने का हक भी होगा, तो दिस इज़ वन जो मैं कहना चाहता था। दूसरी चीज़, एक और मसला जो स्कूल एजुकेशन के बारे में हम कर रहे हैं, मैं ओखला एरिया में रहता हूँ दिल्ली में, आप वहाँ से अवेयर होंगी, 5 लाख की मुसलमानों की आबादी है, प्रॉब्ली ये मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन का सबसे बड़ी आबादी इंडिया की है। इस साल नर्सरी में सिर्फ हमारे इस पूरे 5 लाख की आबादी से सिर्फ 9 बच्चे एक्सेप्ट हुए हैं दिल्ली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, यू आर प्रॉब्ली अवेयर ऑफ इट। हम वो डेलीगेशन लेके गए एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर लवली के पास गए, चीफ मिनिस्टर के पास गए, उनको बताया, उनके सामने ये फिगर्स नहीं थी। आज एक तो ये हाल है कि हमारे यहाँ के अच्छे एजुकेटेड दो कैन अफोर्ड इट, हम गरीबों की बात नहीं कर रहे, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो डोनेशंस भी दे सकते हैं, लाखों रुपए का डोनेशन लेके खड़े हैं, वो सिर्फ इसलिए डिसक्वालीफाई हो गए कि वो डिस्टेंस भी नहीं आ रहे हैं।
हमारे जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है नर्सरी स्कूल का कि आपके सर्टन एरियाज के अंदर पहले बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो पॉइंट सिस्टम है हम उसी में डिस्क्वालीफाई हो गए, उस पॉइंट में ही हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो लीव के कोई आदमी 5 लाख का डोनेशन दे के अपने बच्चे को पढ़ाए, मैं बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ और पब्लिक स्कूल में लेके जाता हूँ, जो ट्रस्ट के साथ स्कूल्स चल रहे हैं उनको मैं उनका एक बच्चा स्पॉन्सर करता हूँ ताकि वो हमारे एक बच्चे को एडमिशन दे दें। 65,000 रुपीज़ एक स्कूल की फ़ीस है बच्चे की, मैं 65,000 रुपीज़ उस बच्चे को, उनके बच्चे को, उनके ट्रस्ट के बच्चे को स्पॉन्सर करता हूँ ताकि वो हमारे बच्चे को ले लें। एंड दिस इज़ हाउ आई कुड गेट अबाउट 7 और 8 ऑफ आर स्टूडेंट्स। तो एक तो ये, दूसरे जो हमारे स्कूल्स में, हमारे एरियाज में स्कूल्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो रिकग्नाइज नहीं हैं। RTE आने के बाद वो सारे खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ पहली बात ये है कि हमारे पास इतना एरिया नहीं है कि हम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की उस एरिया रिक्वायरमेंट पर स्कूल बना सकें। हम यार्ड्स में काम कर रहे हैं, वो एकर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो स्कूल नहीं है। जो यार्ड्स में हम चला रहे हैं, मल्टी स्टोरी 2 फ्लैट लेके हम स्कूल चला रहे हैं, RTE आने के बाद हमें तो अप्रूवल नहीं मिलेगा उसका, और अगर हम अप्रूव नहीं है तो वो क्लोज होंगे। तो अब हम अपने बच्चों को अनरिकग्नाइज स्कूल में अपने पैसों से भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं RTE आने के बाद। तो सवाल यह है कि हम पैसा भी लगाते हैं, फीसें भी देना चाहते हैं। मैं तो गरीबों की बात ही नहीं कर रहा कि स्लम में क्या हो रहा है, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम एंड है कि हम वहाँ से उठा के बच्चों को कॉलेज भेज दें। डॉक्टर साहब बहुत नॉबल काम कर रहे हैं एंड आई एडमायर हिम फॉर दिस, बट मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो उनको भी नहीं पढ़ा पा रहे। तो गवर्नमेंट स्कीम आती हैं पर उसका रियल इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, और वो आया एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट होके आ रही हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक बात ये, मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स एक कहना चाहता हूँ। जा बेटा एक मिनट बस मैं कहूँगा उसके बाद में, सॉरी। औरतों की तालीम और उनके रोज़गार के सिलसिले में मेरा अपना एक व्यू है, और मैं इस व्यू की वजह ये बता दूँ कि मैं उस फाउंडर दारुल उलूम देवबंद की फाउंडर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिक एजुकेशन देवबंद में हुई एंड आई वॉज रेज्ड एंड ब्रॉट अप इन द US। मैं 25 साल से अमेरिका में रहता हूँ, तो आई हैव सीन बोथ एक्सट्रीम्स। मैंने देवबंद में उलमा के घरों में जन्म लिया, वहाँ मेरी तालीम हुई, और मैं देन आई वॉज मैं एक चीज़ ये मानता हूँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड मुस्लिम का एक अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उससे लोगों को कंफर्टेबल कराना बहुत ज़रूरी है। हम आप कुछ भी कीजिए, यहाँ जो लेडीज़ हमारी बैठी हैं और जिन लेडीज़ को आप एम्पावर करना चाह रही हैं, आप में उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमें उनके सिस्टम में जाकर इंडिया को उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट से कंफर्टेबल कराना है। एक लड़की हिजाब में जॉब कर सके, एक लड़की स्कूल में हिजाब में जा सके, ये कंफर्टेबल सिस्टम कब आएगा? इंग्लैंड में आ सकता है, अमेरिका में आ सकता है। आज आप लंदन में जाइए, प्रोफेशनल लड़कियां हैं, प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, आज हिजाब में काम कर रही हैं, और वो समाज उसका आदि हो गया। हिंदुस्तान में नहीं है। आज वहाँ एंकर्स बैठी हैं न्यूज़ मीडिया पर कि जो हिजाब में हैं, जो मुस्लिम कल्चर के साथ जी रही हैं, और वो उनके लिए अजनबी नहीं है, हिंदुस्तान में आज भी है। तो मैं एक चीज़ आपको ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो चाहे थ्रू NGOs हो या थ्रू इस मीडियम से हो, हमें हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज और मुस्लिम का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो बहुत डिफरेंट है पूरी दुनिया में, उससे कंफर्टेबल कराना होगा, और उसी सिस्टम में उनको एजुकेट करना होगा, उसी सिस्टम में उनको रोज़गार देना होगा। आपकी एग्जांपल मलेशिया में ले लीजिए, कंप्लीट मुस्लिम कॉन्डक्ट। इंडोनेशिया में ले लीजिए, एजुकेशन में भी हैं और रोज़गार में भी हैं, क्योंकि आपने उनको उस कॉन्डक्ट में, उस कोड में ला के ये सब दिया है। मैं इतनी बात बस।